शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यू कम यहाँ। किस कुत्ते ने छुआ था कल अपन के भाई को? भाई आए नहीं निकम में आज, वो आए तो ये नंबर दे देना और बोलना कफन सिलवा के तैयार रहे। बोल घर पे भिजवा दूं या ऊपर पहुंचाने के बाद पहनवा दूं। चल भाई। सर आप कभी मिले अपने नए एमडी साहब से? नहीं मिस्टर जय से अभी तक तो कोई मुलाकात हुई नहीं, सिर्फ नाम ही सुना है। 10 बजे बोला था आते ही होंगे। राहुल साहब ने रितु की शादी इसी लड़के के साथ तय की थी, मिस्टर जय के साथ। ये लो आपके 100 रुपए हैं। कोरा चिट्टा गुरिल्ला जो वहाँ खड़ा था ना, वो मेरा जीजा है। हाँ अभी मैं ऑफिस जाऊंगा तो भी लोन हाथ से जाएगा, और नहीं गया तो भी लोन हाथ से गया। तो अब क्या करे? अरे सुन, अब से ऑफिस का जय तू और घर का मैं। अरे लोन चाहिए कि नहीं? अरे मुझे तो ऑफिस का आ भी नहीं आता। अरे कुछ नहीं यार, ओके थैंक यू बाय बाय गेट मी कॉफी, इतना तो आता है ना, बोलते रहे बस। मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। अरे यार तू सुन, आई विल सी इट ऐसे करके पेपर्स घर ले आना, मैं साइन करके तुझे वापस दे दूंगा, बस खत्म हो गई बात यार, कुछ करना नहीं है इसमें। और रितु का फोन आ गया तो? अरे रितु का फोन आया तो बोल देना मुझे, मोबाइल पर फोन कर दे और क्या। चल पैंट निकल, मैं शर्ट निकालता हूं। चल 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 जल्दी, बात मत कर, बात मत कर। ऐसा लगता है यही अपने साहब है ये। हाँ अभी तो ये आने वाले थे, पता नहीं कैसे बॉस है। मिस्टर जय वेलकम। हेलो या वन सेक। सोफी तुमसे कुछ बात करनी है। तुम? मैं ऋतु त्रिपाठी, राहुल की बहन। कौन राहुल? वही राहुल जिसे तुम बेहद प्यार करती थी। गुड मॉर्निंग सर। सर दिस इज आवर कंसाइनमेंट इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट टू यूके एंड। हिंदी में बात नहीं कर सकते? हिंदी में बात करो ना। नहीं मतलब ये था कि ये जो यूके में हमारा कपड़ा जाता है उसके सिलसिले में ये है, तो इसको साइन करना है आपको। हाँ यहाँ पे ठीक है, तुम यहाँ रख दो, तुम जाओ। अब पहले मैं कागज घर पे ले जाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर साइन करके लाता हूँ, तुम जाओ। नहीं सर ये बहुत अर्जेंट है। तो खुद ही कर लो। नहीं मैं साइन नहीं कर सकता सर। एक साइन नहीं कर सकते, फिर इतना बड़ा कंठ लंगोट पहन के इतनी मोटी पगार क्यों लेते हो? नहीं नहीं मेरी अथॉरिटी नहीं, मतलब मेरा अधिकार नहीं साइन करने का सर। ये आपको ही करना पड़ेगा। मैं आज व्यस्त हूँ और मेरी मीटिंग भी है, मैं आज साइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को मैं कागज कलम छूता नहीं हूँ। बुधवार को मतलब? अरे जाओ तुम, चक्कर मत पड़ो, जाओ 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 जाओ। बुधवार को? हाँ हाँ जी जाओ जाओ। फंसा दिया सर। जाओ ना यार तुम। नहीं नहीं कुछ नहीं सर। सर साइन हो गई? अरे नहीं यार, ये नमूना त्रिपाठी जी को किस मेले में मिला होगा, वो भी रितु के लिए, आधा तीतर आधा बटेर, टोटल बेजोड़। अरे सर आया जब से चपरासी को भेजकर कुछ न कुछ खाने को मंगवाता रहता है, अखा दिन चढ़ते रहता है। अच्छा लेकिन वो कहते हैं ना, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो फिर क्या हाथी क्या मोर, सब बने गधे के कदरदान। कहाँ से खरीदा मलबा? वो नीचे है ना पांडे जी, पान वाले। तो पान वाले को बोलो कि पान लगाना छोड़ के वो जूते चमकाना शुरू कर दे। कहते हैं कि पान और ईमान फेरते रहना चाहिए, फिर मटके में बांधे चूने की उंगली को पान पे यूं घुमाना चाहिए, यूं घुमाना चाहिए कि पान ना हो किसी गोरी का गाल हो, हैं? फिर थोड़ी रातरानी चटनी, थोड़ा नवरत्न किमाम और कत्था, हैं? कत्था असली अरारोट नहीं। ओए होए फिर जो पान लगे साला मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए
और उसको नहीं मालूम है पान कैसे लगाया जाता है, तो उसको बोलो मैं उसको सिखाता हूँ कैसे पान लगाया जाता है। ये उटपटांग बातें तुम्हें किसने बताई? राहुल भैया के करीबी दोस्तों ने। तुम्हारी बातों में सच्चाई है रितु, मैंने प्यार किया था और शादी भी करने वाली थी, लेकिन जय से, राहुल से नहीं। जय? राहुल भैया का जिगरी दोस्त जय? हाँ, तुम झूठ बोल रही हो। रितु तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? वो इसलिए क्योंकि जय की और मेरी शादी होने वाली थी, राहुल भैया ने तय की थी। मालूम है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जय मुझसे प्यार करता है। ओह, तो जय तुमसे प्यार करता है? बेशक। तो प्यार करता है तो शादी क्यों नहीं की? जिंदा होता तो जरूर करता। जय जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है। नहीं रितु, तुम्हारी बात करवाओ उसे अभी के अभी, तुम्हारे सारे झूठ पकड़े जाएंगे। क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा है, तुम चलो मेरे साथ। सर, रितु मैडम का फोन है। उनका फोन है तो उन्हें दे, क्या हो मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। नहीं, उनसे बोलो मोबाइल फोन करें। नहीं, आपका मोबाइल लग नहीं रहा है इसलिए मेरे मोबाइल पे किया। तो उनसे बोलो मोबाइल जोर से पटके, या तो मोबाइल को लगेगा या मैडम खुद को लगेगा। आपकी क्या लड़ाई हुई है उनसे? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं। लड़ाई हुई उनसे? नहीं, वो बात करना चाह रही है, बहुत अर्जेंट है। देखिए, मैं बात नहीं कर सकता, देख नहीं रहा मैं कितना बिजी हूँ? हाँ हेलो, वो जूस पीने में बिजी है। सतगोले से कह रही अर्जेंट है। अरे जाओ ना यार, फोन क्या, मैं सांस भी नहीं ले सकता, जाओ जाओ। वो आपसे ऑफिस मिलने आ रही है। अरे नहीं, क्या कर रहे हैं आप? अरे जाकर मेरी बात तो सुनिए, अगर वो आएंगे तो मैं उनको क्या बोलूंगा? उससे कहना कुएं में कूद के मर जाए। कुछ गड़बड़ है। जय साहब कहाँ हैं? अभी अभी भाग गए। क्या? हाँ, जैसे ही मैंने उनको बोला कि आप आने वाली हैं, वो ऐसे भागे जैसे भगवान से भूत। मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। भागे क्यों? आई डोंट नो। मैंने बोला था ना, ये जय हो ही नहीं सकता, ये कोई फरेबी है। पर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि ये मेरी कहानी है। जय और मैं अनाथालय में एक साथ पले बड़े थे। 18 साल के बाद हमें अनाथालय से तो छुट्टी मिली, लेकिन फिर जय का भी एक जगह ठिकाना नहीं बचा। क्या करता था, कहाँ जाता था, पता नहीं। मिलने आता था कभी कभार, लेकिन तोहफे हमेशा भेजता रहता, और फोन्स वो तो रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। एक दिन मुझे यहाँ लेकर आया और बोला, आज ये घर तुम्हारा है। वाओ, और तुम? मैं तो बचपन से ही तुम्हारा हूँ ना। कहने के लिए, ना साथ रहते हो ना शादी करते हो, कहाँ भागते रहते हो मुझसे दूर। अरे कुछ ही दिनों की बात है, जिकोमो का आखिरी काम बाकी है। जिकोमो? जिकोमो? जिकोमो कौन है? जिकोमो? जिकोमो मेरा बॉस है, उसे कहूंगा मुझे अपनी चुंगल से आजाद करो ताकि मुझे तुम्हारी हिरासत में आना है। तब तक तुम यहाँ आराम से रहो और शादी की शॉपिंग दिल खोल के करो। और तुम? ये देखो किचन, मैं कुछ दिन बाद आऊंगा, तब तक तुम किसी से कुछ भी मत कहना, हमारी शादी, इस घर के बारे में कुछ भी नहीं। क्यों? कब, कहां, कैसे, सवाल बहुत है और समय कम। मेरा यकीन करो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं दोनों के भले के लिए कर रहा हूं। हमारा बचपन बहुत मुश्किलों से कटा है सोफी, लेकिन अब मैं अपनी आगे की जिंदगी खुशियों से भर देना चाहता हूं, बस थोड़ा इंतजार। लेकिन इंतजार बढ़ता ही गया। जिकोमो का आखिरी काम निपटा के जब वो मुंबई से यहाँ आया, तब भी वो तुम्हारे भाई के यहाँ ही ठहरा था। अरे राहुल, मेरा लगेज कहाँ रखा तूने? ऊपर वाले कमरे में, आज से वो कमरा तेरा। यार यकीन नहीं आता, तूने अपना सारा बिजनेस बोरिया बिस्तर में समेट लिया। मुंबई के ठग मुझे कफन में लपेटे निकले थे और कोई चारा नहीं था, मैं ठहरा सीधा साधा आदमी, उनसे टक्कर नहीं ले पाया। घर बार, प्रॉपर्टी, ऑफिस सब बेच कर यहाँ आया हूँ, अब तो मुंबई के नाम तक से भी तौबा। अबे तो अब क्या करेगा, कुछ सोचा है? सोचा है ना, वही तो डिस्कस करने आया हूँ तेरे साथ। देख, मेरे साथ कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सीधा काम शुरू कर दे मेरे साथ, समझा? लेकिन तेरा तो फैमिली बिजनेस है ना। हाँ, तो मैं ऑलरेडी तुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बना चुका हूँ, फिर मेरी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने में क्या प्रॉब्लम है तुझे? मैं समझा नहीं। सुन रितु, मेरी गुड़िया है, मेरी जान है, तू जानता है मम्मी पापा के गुजरने के बाद मैंने उसकी परवरिश बहन की तरह नहीं बल्कि बेटी की तरह की है, इसीलिए जब भी उसकी विदाई के बारे में सोचता हूँ किसी अनजान पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं होती। इसलिए मैंने तो तय कर लिया है,
मेरी ऋतु के लिए किसी पराए फरिश्ते से अपना भूत बेहतर। बहुत अच्छे, कौन है वो भूत? तुम। मैं? हाँ, मुझे याद है, मैं शहर में नया था, हम अजनबी थे। किस अपनेपन से तुमने मेरी मदद की, मुझे अपना दोस्त बनाया। तभी से सोच रहा हूं मेरी बहन के लिए कोई ऐसा लड़का चाहिए जिसके दिल में इतना प्यार भरा हो। हे, जल्दबाजी मत कर। तू चुप बैठ। पिछले 6 महीनों से ऋतु के कानों में तेरा इश्तेहार बजाया जा रहा हूं मैं। मुझे मालूम है तुझे मिलने के लिए बेचैन होगी वो। परसों दिवाली है और तू मेरे साथ घर चल रहा है, ये बात दादाजी को भी पता है। दादी तो पता नहीं सुपरमार्केट से अब तक तेरे लिए क्या क्या लेकर आई होंगी बनवाने के लिए। यार, इतना बड़ा फैसला करने से पहले तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं राहुल? क्योंकि मेरा हक बनता है। बात जब मेरी छोटी गुड़िया की और तेरी हो रही है तो मेरा हक बनता है। तुम दोनों मेरे कलेजे के टुकड़े हो यार, जिसे मैं जब चाहूं जैसे चाहूं खा सकता हूं। देख, तू नहा ले जल्दी से, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। जय। देखो कौन आया, राहुल। हाय। हाय राहुल, यह है सोफी, मेरी जान, मेरी जिंदगी। अच्छा हुआ आप इन्हें साथ ले आए, कब से मैं आपके बारे में सिर्फ सुना ही करती थी, आज आपको मिल भी लिया। चलो अंदर चलो, खाना तैयार है। नाराज हो? कहलाते हो जिगरी दोस्त और इतना बड़ा राज भी छुपाते हो, वाई मैन? मेरा तो सांस लेना भी एक राज है, लेकिन अब मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहता हूँ। हाँ तो पहले ही बता देना चाहिए था ना यार, ऋतु के लिए मैं इतने सारे सपने तो नहीं बुनता। यार अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम दिवाली के लिए अपने गांव जाओ और अपनी बहन से कहो कि जय अपने काम में थोड़ा सा बिजी है, ओके? तब तक हम उसके लिए मुझसे 1,00,000 गुना अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे। अभी मुझे माफ करो और अंदर चलो, वरना सोफी जो है वो छुरी काटा लेके हमारे पीछे पड़ जाएगी, ओके? ना कम ऑन, कम ऑन। क्या आप राहुल त्रिपाठी हैं? जी हाँ, क्यों, क्या हुआ? क्या आप इन चीजों को पहचानते हैं? हाँ, ऐसी घड़ी जय के पास भी थी। जय? जयशंकर यादव, माय फ्रेंड। क्या हुआ? पंचगंगा नदी से एक बॉडी मिली है, उसकी जेब में आपका कार्ड था, आपको थोड़ा चेक करने के लिए हमारे साथ आना होगा। पुलिस समझ नहीं पाई है कि ये खुदकुशी थी या ऐसा करने की कोई वजह तो नहीं थी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें बताऊंगा। अपने आप को संभालो सोफी, प्लीज। ये उसका कुछ सामान पड़ा था मेरे पास। तब से इस घर को जो ताला लगा, आज मैंने तुम्हारे सामने खोला है। राहुल ने उस दिन के बाद ना मुझे फोन किया, ना मुझे मिलने आया। बस यही खबर आई कि दो करीबी दोस्त जिंदगी के बाद भी करीब रहे। तो फिर वो लड़के मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं?